क्या हुआ सर? हैव अ कॉफी? मैंने कॉफी लेंगे चाय लेंगे? साइकिल बाइक का पंचर बनवा रहे, पंचर वाला कहा कि 3200 रुपया लग गया, तेरा नलकी भी खराब है। क्या अंतर हुआ? मोदी सर ने क्या दिया हमें, क्या चीज देता हमें? ये बताओ, नौकरी करते हुए कितने लोग ऐसे हैं जिनका पुलिस ने चलान किया? हाँ सर, यस, गारंटी मैं देता हूँ कि मोदी केयर करेंगे तो पुलिस वाले चलान नहीं करते, क्योंकि हाथ ही नहीं देते मोदी केयर का। क्यों? अरे हम टाइम होते हैं भाई, अमीर लगते हैं। और ऐसा हमारे साथ हुआ था, मोदी केयर सुपर स्टोर से वापस आ रहे थे, उस समय बातों बातों में गाड़ी निकल गई, हमें पता नहीं चला कि ये रेड लाइट क्रॉस हो गई। और पुलिस वाला आगे से निकला एकदम, वो तो छुपे रहते हैं जैसे आदमी वाले हैं। वो भाई साहब छुपा था, बाहर आए उसे पहले हम शरीफ आदमी ब्रेक मार दिए, साइड करके रोक दिए। आया और संजोग देखिए, मेरा मतलब किस्मत वाला था उस समय कि मेरे साथ दो बाउंसर थे, एक डॉक्टर करीब, डॉक्टर करीब को आप लोग, अच्छा एक राकेश, राकेश चौधरी, दोनों भाई साहब पहले थे भाई और लंबा लंबा, और हम ये आगे थे। हम पहले मैं निकला तो वो लोट नहीं साइड कर, ये निकले भाई ये तो कर ही कर तू दोनों देकर जाएंगे, तो समझ क्या दोनों के दोनों का। फिर पीछे से दोनों निकले, बोला वो तेरी ये तो बाउंसर लेके चल रहे हैं, उसे बड़ा आदमी होगा कोई, अब उसे क्या पता कि ये टीम है, बड़ा बड़ा आदमी बाउंसर वाले हैं साथ में। भाई साहब हमें ठंडा पिला करके उन्होंने देखा, कबाब ये है, खाना भी पूछा था उसने, क्योंकि हम लोग शरीर दिख रहे थे। तो मोदी क्या दे, मुझे क्या दिया और आपको क्या देगा, और करना क्या होगा? पहला काम करना होगा, हमें अच्छी तरीके से सीखना होगा, अपनी पुरानी जो कूड़ा करकट है इसको रीसेट मार के, अपना सॉफ्टवेयर बिल्कुल रिसेट मार दीजिए और नन्हा बच्चा बन जाइए, क्योंकि जो इनोसेंट लोग होते हैं उनसे लोग बहुत प्यार करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है, बच्चा जिद कर सकता है कि बड़ा जिद कर सकता है? बड़ा कर ले तो लट चलेगा, क्लियर है आप? तो अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो क्या करना होगा? सिंपल सर, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो आज भी मैं अपने अपलाइन मेरे अपलाइन बोलते हैं कि संतोष जी पता है, मैं मुझे पता ही नहीं। संतोष कितना इनकम करना चाहता है सर? दिसंबर तक छोटी सी इनकम 5 लाख। अच्छा छोटी सी इनकम 5 लाख प्लान, आप बताओ मुझे क्या पता, मैंने तो रिजल्ट बता दिया भाई, मेरे को 5 लाख चाहिए। क्या आप अपने अपलाइन से बोल सकते हैं क्या? तो वो कुछ काम बता देते हैं फिर, मुसीबत हो नहीं 5 लाख बोलना, मुसीबत तब पड़ जाती जब वो कुछ काम बता देते हैं। अच्छा काम इतना हैवी नहीं है, मैं आपको बता दूं, मोदी केयर लगातार करने से होगा, कंटिन्यू और कंसिस्टेंस। कंटिन्यू मतलब होता आज किया कल नहीं किया, परसों दो बार कर लिया, चौथे रोज जो है 4 मीटिंग कर लिया, कतई सक्सेस नहीं हो गया। मोदी केयर लगातार करने से सक्सेस आप पाएंगे, और मोदी केयर इमरजेंसी में भी नहीं किया जा सकता। अब कुछ नहीं समझ में आया चल मोदी केयर कर ले, मोदी केयर पार्ट टाइम में होगा, मोदी केयर फुल टाइम में होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लीजिए प्लीज, दादा चक्रवर्ती दादा कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कम हियर। हम स्टेज पे हम प्रभु बता रहे, ताली बजाई होगी इनके। अरे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरी नजर हम मास्टर है वहां तक पढ़ती है, मैं कहां तक भूल गया, इसलिए बोलता हूँ बीच में तारा वारा टूट जाता भाई। सिंपल चीज है कि अगर मुझे मोदी केयर करना है तो सबसे पहले अपने आप को सबमिट करना होगा, किसके सामने? अपने गुरु के सामने, अपने अपलाइन के सामने, जिसे आप मानते हैं उसकी मानिए। और मानते हुए अगर आपने इस जुलाई से लेकर के अगले जुलाई तक सिर्फ वो काम करिए जो आपका अपलाइन बताता है, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसे मेंटेन करना। मोदी केयर का 5 काम, पहला काम हमें बहुत सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट किसकी? इंसान की, ऐसे इंसान जो साबुन से नहाते हो, अगर वो नहीं नहा रहा तो आपके किसी काम का नहीं है।
अगर बेस्ट वो कर रहा है तो आपके काम का है, आप लिस्ट में लिखें। मेरे साथ में कोई भी अगर शख्स आके बोलता है सर मैंने एक साबुन लिया, बेतहा मोहब्बत करता हूं उस बंदे से। क्यों? क्योंकि मेरे सपनों के महल में एक ईटा तो उसने भी रखा दोस्त। तो बड़ा रिस्पेक्ट करिए आप अपने कंज्यूमर का, जो आपसे सामान लेते हैं वो आपसे जुड़े नहीं है, वो ज्वाइनिंग नहीं किए, सिर्फ आपसे सामान लिए, उनको जहां मिले वहीं सलूट मारिए, क्योंकि ये महात्मा लोग हैं जो आपको अमीर बनाएंगे। क्लियर है ना? हम उन्हीं महात्मा से नाराज हो जाते हैं कि अरे साबुन तो लगा लिया फिर भी नहीं ज्वाइन कर रहा है, ये पागल है। नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो महात्मा है, वो धरती पे आए हैं आपको अमीर बनाने के लिए, आप उनकी रिस्पेक्ट करें प्लीज। क्लियर है? मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि मैं डायरेक्टर लेवल पे था, मैं इसका स्वाद चखा था कि मैं लोगों को बेचता था, किसी से आईडी नहीं मांगता था, तो 22% जब आया तो पैसा 12-13 हजार रुपया था, और वो किसी में बांट के आता तो कितना आता। जब आपके पास लोग घूम के आएंगे, आप कार में आएंगे, अभी आप प्लान क्या दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं आज भी प्लान क्या दिखा रहा हूं वो बता रहा हूं। पहला काम मैं लिस्ट बनाता हूं रोज, क्योंकि मेरे अप्लाई ने यही बोला है कि तू 25 लोगों की एक लिस्ट कर, उन 25 लोगों के 25 लोगों के साथ घूम, जिसे हम टीम 25 का नाम दिया है। पहला काम लिस्ट बनाता हूं, लिस्ट बना करके दूसरा काम क्या करता हूं कि उनको फोन कर लेता हूं, बकायदा अपॉइंटमेंट लेकर के हम उनके पास जाते हैं, और जब उनके साथ बैठते हैं तो डिस्कस क्या करते हैं। दूसरा काम वन टू वन मीटिंग में सिर्फ उनको बोलते हैं कि मैं बिजनेस करता हूं। अच्छा ये बात बोलिए, हम दोनों बिजनेस करेंगे, उसको बिजनेस बोलते उसका पारा चढ़ जाता है। गरीब आदमी बिजनेस, बहुत बड़े अमीर लोग बिजनेस करते हैं, उसे आइडिया ही नहीं कि ऐसा भी कोई बिजनेस है जहां गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। वो सुन रखा है, लूट लुटा रखा है। अच्छा आप हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कच्चा लालच करते हैं, कच्चा लालच समझते हैं आप, रातों रात करोड़पति, ऐसा दोस्त है नहीं। अगर कोई आपको बोलता है मेरे साथ आओ सिस्टम, आप मोदी के कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई आपको ऑफर देता है तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार मेरे साथ आ जा तो समझ लो वो आपको बर्बाद करेगा, बिना कुछ किए पैसा आता है क्या? आप कैसे मानेंगे? बहुत लोग मान के घूमते हैं, तेरे को काम नहीं करना है, बस एक बार आ जा तू करोड़पति। और ये से लोग हैं जिन्हें हम मंकी लीडर बोलते हैं, वो 6 महीना ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, उनको खुजली ज्यादा रहती है। इनसे बचिए प्लीज, कच्चे लालच से बचिए, फ्रॉड कंपनियों से बचिए, और मंकी लीडर से बचिए जो आपको तकलीफ में डालेगा ही डालेगा। पहला काम अपनी लिस्ट बनाना, ऐसे लोगों के लिस्ट जो साबुन लगाते हो। दूसरा काम उनसे मिलकर बोलना मैं बिजनेस करता हूँ, बड़े गर्व के साथ आप बोलना कि मैं एक मोदी केयर का कंसल्टेंट हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, आप मेरे कुलीग हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट आप यूज करें और फीडबैक दें मुझे, आप अपना राय दें कि ये प्रोडक्ट कैसा लगा आपको। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो मैं इसे और बड़े लेवल पे करूंगा, अभी तो कर ही रहा हूं लेकिन और बड़े लेवल पे करूंगा, तो आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई साहब 24 घंटा नहीं लगाएगा बंदा, नहाए धो करके तुरंत फोन करेगा, क्यों? राय किसी का कोई मांगते नहीं है। आपने उससे राय मांगा, हिंदुस्तान में बिना मांगे भी राय मिलती है, ऐसे ना हो, यही एक काम है जो बिना मांगे पब्लिक देती है, ठीक है? तो जब वो राय देता है तो दो राय आएगी, तेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया या तेरा प्रोडक्ट बहुत खराब है। अगर खराब बोला तो भी नाराज मत होना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला मेरी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बोल सकते हम। और जिसने बोला बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है उसको बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट है कि दोबारा जब आपका साबुन खत्म हो जाए तो ऑर्डर प्लीज मुझे ही दीजिएगा। क्या बोलेगा? नहीं देंगे तेरे को ऑर्डर? अरे होम डिलीवरी फ्री दे वहां आप देगा? दिया। लेकिन ये सब होगा कब? जब आपका फोकस एक जगह पे होगा। फोकस गड़बड़ सिस्टम खराब। क्लियर?
अब जब दूसरा बार हम मिलेंगे तो ये बोल सकते हैं जब हमें रीऑर्डर मिला तो सर यहाँ से बहुत सारे बचत हो सकते हैं, उसको हम होम मीटिंग बोलते हैं जो अभी मैडम ने बताया था। होम मीटिंग में क्या बोलना, सिर्फ उसकी बचत और हिंट दे देना है कि यहाँ से रोकड़ा कमाया जा सकता है, बट वो कैसे कमाया जा सकता है इसके लिए सप्ताह में एक दिन आपको टाइम देना पड़ेगा। सर एक गाड़ी है जिसका नंबर है 9840 98 40, जिसका अगर है तो अपनी गाड़ी साइड करेगा, कोई गाड़ी निकलेगी प्लीज 98 40 98 40, अगर यहां कोई है तो गाड़ी साइड करेगा, बाहर गाड़ी लगी हुई। अब सिंपल थॉट आया कि होम मीटिंग में हमने अपॉर्चुनिटी दिया, उसको वीकली मीटिंग के लिए प्रमोट किया, वहां से काम होता है अपलाइन का, आपका आपका अपलाइन उस होम मीटिंग में जो भी लीडर है वो उसे इनवाइट करेगा इवेंट के लिए, यहाँ के लिए, और आपका सिस्टमेटिक तरीके से सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नेटवर्क बताते हैं कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ये नहीं, ये सीखने का चीज है। ये सक्सेस कैसे होंगे, आप बहुत बार मीटिंग ट्रेनिंग हुआ था, स्टेप वाइज अगर मैं जाऊं तो इसके सक्सेस के लिए आपको एक कैरेक्टर बनना पड़ेगा, आपका एक चरित्र होगा। जब आपको लोग बोले लगेंगे तेल साबुन वाला जा रहा है, समझिए सक्सेस है। जिस दिन आपको बोलेंगे मोदी केयर वाला जा रहा है तो मतलब आप सक्सेस हैं। अगर जिसको बोल रहे हैं वो कार में है, जिसको नहीं बोल रहे हैं वो तो जहां है वो है। क्लियर है? पहला काम आपको मैग्नेटिक मैन बनना पड़ेगा, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनना पड़ेगा। तैयार है? इसको बनने के लिए दो तीन स्टेप है। पहला काम ये करना पड़ेगा, आपके अंदर जुनून पैदा करना होगा। किसके लिए? क्या आप तैयार हैं सक्सेस के लिए? सक्सेस से आप प्यार करते हैं? क्या आप अपने सपनों से प्यार करते हैं? आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? क्या आप उन्हें आलिशान बंगले में रखना चाहते हैं? तो दोस्त ये जुनूनी व्यक्ति ये काम करेगा और वो जुनून आपको ये स्टेज देता है। आप स्टेज पे आने के लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, आप पैशनेटिक इंसान होना चाहिए, तब आपको वो चीज मिलेगा जो आप चाहते हो। पैशन जब आ जाता है तो क्या करना होता है, पैशनेटिक आदमी जुनूनी आदमी क्या करेगा, काम करेगा। काम कौन सा? डेमो, 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, बिजली मीटिंग अटेंड करना और इवेंट में आना। कर सकते हैं? कर सकते हैं? अब काम कैसे करना, जिस व्यक्ति को डेमो दिखाने में मजा आने लगे, इंजॉय ले। हम लोग को मजा आता था, जैसे हम लोग इधर लाइजोल डालते थे, इधर नील डालते थे और वैसे सेम रहता, हमें फीलिंग आती थी अभी देखो मेरा वाला सफेद होगा, और हम जैसे डालते थे हिलाते थे देखो हमारा वाला सफेद होगा, भाई हमारा मस्त काम कर रहा है, मतलब इतना इंजॉय लेते थे, हमें क्लियर होता था। अच्छा, हमारे बहुत साथी ऐसे थे जो डेमो दिखाने जाते, सर पता नहीं ये सफेद होगा कि नहीं होगा और हमें इतना कॉन्फिडेंट था हमारे प्रोडक्ट पे, अरे होगा ही होगा तो टेंशन मत, हाँ हाँ हो रहा हो रहा हो रहा, चलो जान बची अभी। यहाँ 1% भी डाउट अगर कर गए तो कार नहीं आएगी। आपको अपने प्रोडक्ट पे अपने से ज्यादा भरोसा करो, क्योंकि ये लल्लू पंजू कंपनी का मालिक ये प्रोडक्ट नहीं दिया है, वो फिर बिजनेसमैन है, वो ऐसे शख्स है जो खुद के उनके इतने बिजनेस है कि वो अपने प्रोडक्ट को खराब करेंगे क्या। जो बंदा अपना नाम दे दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं ना वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, आपको पता है कि नहीं, कभी ध्यान दिया है नाम पर? आज तक जितनी नेटवर्क कंपनियां हैं सब प्राइवेट लिमिटेड है दोस्त, इकलौती मोदी केयर ऐसी है जो लिमिटेड कंपनी है। किंतु परंतु अटपट लेकिन लेकिन जैसे शब्द देखती आसी कोरबो देखो, ये सारे शब्द सर्वदा वर्जित है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने उस काम से प्यार कर लेना है जो रियल में आपको सपना पूरा करेगा। क्या है? डेमो होगा, अब डेमोस्ट्रेशन होगा, और डेमो जब आप सिखाएंगे काम से जब आपको प्यार हो जाता है तो एक काम और करिएगा, वो करिएगा फोकस। फोकस कहां करना है? जो तुम्हें नहीं चाहिए वहां कभी फोकस मत करना, जो तुम्हें चाहिए
फोकस वही रहना है। अमूमन लोग गलती कर जाते हैं, जो कॉमन मैन है, जो साधारण व्यक्ति है, जो सोचते हैं कि मुझे दाल रोटी से काम चल जाएगा, वो क्या करते हैं, वहां फोकस करते हैं जहां जोर से नहीं चाहिए। कितने लोग फोकस करते हैं कि हमारे तो टीम ही नहीं चल रहा है, हमारी टीम में कोई डेमो ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या है? हाँ तो ऐसे ही होगा फिर जैसा फोकस। अरे इतने लोग जानते हैं ना, बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं होगा है? और पता है कि आम बोने से बबूल नहीं होगा, आम ही होगा। और एक आम के बीज लगाने से बहुत सारे आम होते हैं, पता है ना कि एक आम का बीज से एक ही आम होगा। तो दोस्त आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, वैसा काटोगे, जैसा सोचोगे वैसा फोकस करोगे, जहां फोकस करोगे आपकी एनर्जी वहां जाएगी और रिजल्ट वैसा ही आएगा। आप कभी मत सोचना कि आपका कौन क्या कर रहा, सिर्फ ये ध्यान देना कि तुम कब क्या कर रहे हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं देख भी पाऊं कि टीम क्या कर रही है, क्यों, मुझे खुद ही डेमो दिखाने होते थे, मैं तो खुद ही लोगों से मजे लेता था, जहां जाता था यहाँ पे बहुत सारी लीडरशिप बैठी है, ये डॉक्टर साहब डॉक्टर कमल यहाँ बैठे हुए सरोल में, इनसे पूछिए, मेरे पुराने दिन का दोस्त है, इनके पास जाता था चाय मांग के पीता था, डॉक्टर आनंद के पास जाता था तो दो दो चाय मिल जाती थी। तो ये बिजनेस इतना बढ़िया था कि जहां चाहो लंच भी मिलता था, कहीं डेमो दिखाने गए पूछ लेते थे भात बना है क्या, तो अब हाँ बना है तो दे दो, अब डेमो दिखा पर पूछ तो बच्चा लोग बजाओ ताली, तो ताली से काम नहीं चलेगा, हमने सिंपल है भाई खाना भी मांग लेते थे। क्या करना है इस बिजनेस में, कैसे सफलता नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि हमारा फोकस गलत जगह पे होता है। आज से फोकस सही रहेगा, अगर आपको नहीं चाहिए कि मेरे टीम में डेमो ना हो तो भैया वही फोकस कर देगा, अगर आपको चाहिए कि आपके टीम में डेमो तो फोकस वहां करना जहां डेमो हो रहा है, जहां डेमो नहीं हो रहा वहां फोकस ही नहीं करना। क्लियर है आप? आप शुरू करो डेमो करना, आप सक्सेस होंगे। हिंदुस्तान में कितने लोगों को ऐसा सुनने को मिला था कि तू आगे कर ले फिर मैं करूंगा, आप लोगों को मिलता सुनने के लिए पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा, हेलो मिलता है? तो यहां कैसे समझ लिए वो पहले डेमो करेगा, पहले तुम ही करो। उनको काम नहीं चाहिए भाई, वो ऐसे अंधे हैं जो आंख होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वो पहले बोलेंगे तू कार में बैठ फिर मैं बैठूंगा, सेफ है सिक्योर। और जब आप कार में बैठ जाएंगे तो बोलेंगे तू टैलेंटेड था मेरे तो होगा ही। अब कर लो बात, ये दुनिया समाज आपको जीने नहीं देगी, कब जिंदा रहेंगे आप, जब आप खुद पर फोकस करिए, आप अपने आप को तैयार करिए क्या करने के लिए, खुद डेमो दिखाने के लिए। तब तक दिखाइए डेमो जब तक आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो जाते हैं, यही एक रास्ता है जो आपको फ्रीडम देगा। बेसिक नीड कितनी है आपकी, 20 से 30 हजार, 30 से 50 हजार, 50 हजार तक ये मत बोलना कि मेरे टीम में डेमो नहीं हो रहा है, वो बंदा प्लान नहीं दिखा रहा है, वो सर आया नहीं, वो गया नहीं। आप अपना काम करिए, डेमो दिखाइए, होम मीटिंग करिए, वीकली मीटिंग कराने में मजा आता है आप लोगों को। जिस टीम में जितना ज्यादा होम मीटिंग होगा, जितना ज्यादा वीकली मीटिंग होगा, जितना ज्यादा इवेंट होगा, उसको उतनी बड़ी इनकम आएगी और वो हर टूर हर कार हर घर अचीव करेगा। अब तैयार है? तो अभी नेक्स्ट मंथ, अभी आप लोगों को कोई सवाल है तो सिंपल बोल दिया कि मोदी केयर कर लिया तो पैसा पैसा, नहीं किया तो पहले जैसा, होने जैसा कुछ नहीं है। और मोदी केयर कर डाला तो लाइफ जिंगा लगा, ठीक है। मोदी केयर समझ में आया तो जरूर करिए, नहीं समझ में आया तो आप मजबूरी में करिए, लेकिन करिए मोदी केयर करिए, क्योंकि जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं, इस मुकाम पे बहुत सारे नेटवर्कर जो अभी मार्केट में घूम रहे हैं, ये पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंचेंगे नहीं, क्यों, फोकस गलत जगह पे है, उनका हो रहा है मेरा नहीं। और एक चीज और बता दें कि आप उनसे बचिएगा जो मार्केट में आपको आगे पूछेंगे भैया तेरा क्या हुआ, समझ रहे हैं, आप लोग पूछते हैं क्या तेरा कुछ हुआ क्या, पूछते हैं अरे कितना साल हो गया, 2 साल हो गया, अच्छा तेरा कुछ हुआ ही नहीं,
तेरा कुछ हुआ क्या? मेरा तो हुआ। वो आके बोलेंगे मेरा तो ये हो गया, अभी देख मेरा ये चेक आ गया, ये देख पेमेंट आ गया। एक छोटी सी स्टोरी खत्म करते हैं, शायद सुने होंगे, फिर सुनिए, आपके लाइफ में काम आएगा। एक हाथी था, हाथी जानते हैं आप लोग हाथी? और एक कुत्ता था, कुतिया। हथनी और कुतिया में हो गया प्यार, दोनों दोस्त बन गए। अब गलती क्या हुआ कि उधर से हाथनी जो थी वो भी प्रेग्नेंट, कुतिया जी थी वो भी प्रेग्नेंट हो गई। अब दोनों में दोस्ती तो थी, दोनों बड़े खुश हुए। अब क्या हुआ, चार महीने बाद कुतिया भागे भागे आई, बहन मैंने बारा को जन्म दिया, बोले बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, और ताली वाली बजा करके छोड़ दिया। छह महीने बाद फिर वो आई, बहन बारा और तेरा क्या, अरे तुम प्रेग्नेंट है कि नहीं है ये बता। तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गई, बोली कैसा है बहन, मैं जो पेट में पाल रही हूं ना, ये हाथी का बच्चा है, और तुमने जिसे जना है ये कुत्ते के पिल्ले हैं। जब मेरा बच्चा धरती पे आएगा ना, तो पृथ्वी को पता चलेगा कि उसके ऊपर कुछ गिरा, और जब वो बड़ा होगा, जब वो रोड क्रॉस करेगा, तो आदमी खड़ा हो करके उसका इंतजार करेंगे, ये जाए तो मैं क्रॉस करूं, और तेरा जब जाएगा तो उसे खड़ा होकर देखना पड़ेगा कि लोग चले जाए तो मैं जाऊं। तो आप जिस सिस्टम में है, ये हाथी का बच्चा है, ये कुत्ता बिल्ली नहीं है कि छह महीने बाद दूसरा ले चार और आए, छह महीने बाद ले चार और आए। अरे उसको बोलो कि दोस्त मैं जो पैदा कर रहा हूं ना, ये हाथी का बच्चा है, ये जब धरती पे आएगा ना तो धरती हिलेगी, अगर रोड क्रॉस करेगा तो लोगों को रुकना पड़ेगा। आज 3 साल में 13 स्टेट में जहां जाएंगे परिचय के हम मोहताज नहीं है, थ्रू मोदी केयर। आप रेडी हैं? yes. कर सकते हैं? yes. तो नेक्स्ट मंथ आप चाहते हैं कि आप पर और इवेंट हो? yes. तैयार है आप? yes. तो नेक्स्ट मंथ में हम 18th को, 18 अगस्त को आप यहां फिर मिल सकते हैं। yes. तो थोड़ा जोश के साथ मिलिएगा, रोटी छोटी बांध के लाइएगा। अच्छा, आप लोग भूख लग रही है क्या? yes. भूख लग रही है? पैसे की भूख जिसको होती उसे तो नहीं लगती भाई, क्लियर है? यस। और 3 महीने में हर एक और चीज बता देता हूं, होपफुली एक बार आप अपने अपने ऑनलाइन से चेक करिएगा, 28th को, 28 तारीख को डीएलएफ फेस 1 13/13 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, हमेशा हो रही है वहां पे, 3 संडे होता है। रश्मि सर ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार रश्मि सर के लिए, जबरदस्त आज इन लोगों ने बीड़ा उठाया है। एक होटल है जिसका नाम SKS विला है, 13/13 में इनकी फर्स्ट वीक में मीटिंग होती है, सेकंड वीक में पप्पू सर और मुबारक जी के लिए जबरदस्त।